जनता विभाग, जनता विभाग, जनता विभाग, जनता विभाग तेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जनता विभाग, जनता विभाग। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। हमारे जो क्षेत्र, हमारा जो एरिया है हरिओम कॉलोनी में, उसमें काफ़ी समय से पानी की समस्या की दिक्कत है। मतलब प्रेशर पूरा नहीं आ रहा है, टाइम पे नहीं आ रहा है और कम समय आ रहा है, इसलिए आज हमारे एरिया और हमारे मोहल्ले में सब में आक्रोश है। इसके कारण हमने धरना प्रदर्शन किया है। आपने कभी कंप्लेंट करी इस चीज़ से? हाँ, कंप्लेंट कितनी बार कंप्लेंट कर चुके हैं हम, महीने भर से लगातार कंप्लेंट कर रहे हैं। अभी गर्मी का मतलब शुरू भी नहीं हुई है और अभी पानी का प्रेशर काफ़ी धीरे हो चुका है। कोई अधिकारी आया? हाँ, जेएन साहब आके गए थे, लेकिन उन्होंने कोई मतलब ऐसा कोई जवाब नहीं दिया संतोषजनक के, जिससे पानी तेज आ सके या पानी का समय बढ़ाया जा सके। कितना परिवार या कितने घर हो यहाँ पे? 1500 के करीब यहाँ पे घरों में ऐसी दिक्कत आ रही है। सभी सारे जितनी भी हरिओम कॉलोनी की गलियाँ हैं, परिवार है, घर हैं, सभी जगह कहीं ना कहीं पानी की प्रेशर की कमी है, पानी कम आता है। आपका नाम? मेरा नाम सुमित तंवर है, मैं हरिओम कॉलोनी गली नंबर 1 चंद्रोदय नगर अजमेर का। की परेशानी है? कितने टाइम से आ रही है ये? कम से कम 6 महीने से आ रही है। अच्छा, पावर हाउस गए थे इसके? वाटर पावर हाउस गए? कितनी बार गए? बोला हाँ आ जाएगा, आपके साथ आ जाएगा, आपके साथ आ जाएगा, नहीं आ रही है। तो पानी कैसा आ रहा है? टैंकर डलाना पड़ता हमको हर महीने। पानी गंदा आ रहा है? बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, ऐसे ही आ रहा है। आ रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा आ रहा है, जैसे 2-4 मटकी भी नहीं भर रहे पीने की। तो आजकल तो पानी कम से कम 10 मटकी हो जाए दिन पूरा हुआ है। किस जगह है, कहाँ पर है ये? हरिओम कॉलोनी। आपका नाम? नो सर। परेशानी करीबन 2 साल से पानी बिल्कुल तुर-तुर आ रहा है हरिओम कॉलोनी के अंदर, गली नंबर 4 के अंदर। मैंने इतनी कंप्लेंटें करी है, यहाँ तक कि JEN AEN उनको खुद को बुलाकर मैंने सर्वे कराया है और उन्होंने हर बार यही कहा कि पानी आ जाएगा। अभी भी आके गए हैं, उन्होंने यही कहा पानी आ जाएगा। मैंने उनको ये समस्या ही बताई थी कि आप बीच बीच के अंदर प्लेटें लगाएं, जिससे पानी का स्टॉप हर बार में धीरे धीरे सबको मिलता रहे। लेकिन वो पिछले 2 साल से ना तो प्लेट लगा रहे ना ही वाल खोल रहे हैं, जिसकी वजह से पानी नहीं आ रहा है। पानी आधा पौन घंटा आता है, तुर-तुर आता है, उसमें पीने का पानी भी नहीं भरा जाता है। गर्मी हो गई, गर्मी के अंदर हालत ख़राब है, लोगों को टैंकर डलवाने पड़ रहे हैं और हर महीने के अंदर 4-5 टैंकर। आप मान लो एक टैंकर 400 रुपये लेता है, महीने के अंदर 2000 रुपये तो पानी के भर रहे हैं, क्या मतलब। इसलिए पानी की सप्लाई पूरी आनी चाहिए। मेरा नाम कृष्ण कुमार है, मैंने कभी काफ़ी कंप्लेंटें करी हुई है।